नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित जनता के जनप्रतिनिधि, ऑल टीचर्स, अभिभावक, एचओडीज, स्टाफ मेंबर्स एवं प्यारे बच्चों, आप सबको टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा ये मानना है टीचर ओनली वही नहीं होते जो स्कूलों में पढ़ाते हैं। एक ऐसा माना जाता है कि बच्चे के पहले टीचर उसके पेरेंट्स होते हैं, बिकॉज जो एक मॉरल एजुकेशन है वो आपकी आपके परिवार से स्टार्ट होती है। तो जितने भी टीचर्स यहाँ पे लोग अवेलेबल हैं वो सब कहीं ना कहीं टीचर का रोल उन्होंने प्ले किया है। तो मैं आज जो भी चीजें कहूंगा वो ना कि केवल स्कूल के लिए, मैं पूरे समाज में जितने भी लोग हैं सबके लिए ही बोलूंगा। हम देखते हैं जैसे अभी कभी कभार कोई इंसिडेंट सामने आते हैं कि टीचर के साथ दुर्व्यवहार हुआ है या टीचर की साइड से कुछ गलत एक्टिविटीज हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, टीचर अपना कर्तव्य निभाएं एंड बच्चे विद ड्यू रेस्पेक्ट जो भी उनको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं डेली बेसिस पे उनका कंप्लीट करें, जो भी उनको होमवर्क दिया जाता है करने के लिए वो होमवर्क करें, और जहां पर भी वो पढ़ते हो चाहे भले स्कूल में हो या कॉलेज में हो अपनी क्लास को टॉप करने की कोशिश करें। बिकॉज अगर आप क्लास के टॉपर हैं तो लाइफ में कुछ ना कुछ डेफिनेटली अच्छा करेंगे। मैं अभी देख रहा था यहाँ पे बैनर पढ़ रहा था बैठे बैठे टॉप थ्री कॉमर्स साइंस टॉपर्स के फोटो लगा रखे हैं। तो जितने भी अभिभावक हैं टीचर्स हैं, मैं सबसे बच्चे हैं उनसे बोलना चाहूंगा कि इतनी मेहनत करें कि अगली बार आपका भी फोटो यहाँ पे लगे और नॉट ओनली टॉप थ्री, आप हमें टॉपर बनने की कोशिश करें। एक कहा जाता है कि शिक्षा एक ऐसा वेपन है जिसके थ्रू हम समाज की सारी कुरीतियों को दूर कर सकते हैं। बिकॉज जब आप एजुकेट होते हैं तो आपको अपने राइट्स पता होता है, आपकी जॉब लगती है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव होती है और आप देश के विकास में अपना कंट्रीब्यूशन करते हो। जैसे आज की जनरेशन कल की फ्यूचर की कमान संभालेंगे, तो आज के जो बच्चे हैं वो कल के हमारे देश को आगे विकसित डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड की साइड लेके जाएंगे। तो मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ साथ जो हमारी लिटरेसी रेट है उसके साथ साथ मॉरल एजुकेशन पर बहुत ध्यान दें। जैसे आदरणीय एमएलए साहब ने भी बताया था अपने स्पीच में कि बच्चे पेरेंट्स के कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मॉरल एजुकेशन से डाउन जा रही है। मैं अगर अपनी पर्सनल लाइफ का एग्जाम्पल बताऊं, मेरी मदर इलिटरेट है। इलिटरेट मीन्स वो न्यूज़पेपर या कोई बुक नहीं पढ़ सकते, लेकिन सी इज द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन आई हैव मेट इन माय लाइफ। इट मीन्स वो किताब नहीं पढ़ सकते लेकिन उनके पास जो मॉरल एजुकेशन है, जो उन्होंने वैल्यूज मुझे सिखाई है, उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। मेरे लाइफ में कभी एक दिन ऐसा नहीं आया होगा जब मैंने कभी मैं स्कूल नहीं गया। बिकॉज वो कभी ऐसा बोलते हैं कि जो चीज किसी इंसान के पास नहीं होती उसकी इंपॉर्टेंस उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो मेरी मदर कभी व्हाट एवर द रीजन वर जिनकी वजह से मैं स्कूल ना जा पाई, लेकिन उन्होंने मेरी लाइफ में एक भी दिन ऐसा नहीं आने दिया जब मैं स्कूल ना जा पाऊं। चाहे मेरी तबीयत भी खराब होती थी या उनकी भी तबीयत खराब होती थी तो मैं स्कूल जाऊं ये जरूर सुनिश्चित करती थी वो। इसी के चलते और कहीं ना कहीं एक जब आप बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर, मेरे फादर साहब एक्चुअली गवर्नमेंट टीचर ही हैं थर्ड ग्रेड के, मेरी फैमिली में सबसे ज्यादा प्रोफेशन टीचरों का ही है। तो टीचरों के लिए मेरी रेस्पेक्ट थोड़ी शुरू से ही ज्यादा रही है बिकॉज मैंने उनको बहुत क्लोजली देखा है। स्कूल्स और कॉलेजों में तो देखते ही, लेकिन जब आपकी फैमिली में भी टीचर हो तो आपको उनका स्ट्रगल और सब कुछ पता होता है। वो जितनी मेहनत करते हैं समाज को उठाने के लिए और अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए। तो वैसे हर साल हमें टीचर्स डे मनाते हैं, लेकिन ऐसे सेलिब्रेट करके एक दिन और जस्ट चीजों को इग्नोर कर देना, मैं मानता हूं कि इस टाइप से सेलिब्रेशन का कोई मतलब नहीं है जब तक हम
अपने बच्चों को राइट पाथ नहीं दिला सके। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, सब एक शपथ लेके कोई ना कोई बुरी आदत, आज एक बुरी आदत एटलीस्ट क्विट करेंगे। हर किसी में कोई ना कोई बुरी आदत होती है, नो डाउट मोज में भी होंगी, तो मैं भी एक आज बुरी आदत अपनी क्विट करूंगा। और ये एक न्यू ईयर की रेजोल्यूशन की तरह नहीं होना चाहिए कि आपने 10 दिन फॉलो किया उसके बाद फॉलो नहीं किया। तो एक कोई भी बुरी आदत हो आप उसको आज क्विट करें, वही सबसे बड़ी टीचर्स डे का सेलिब्रेशन होगा। एंड टीचर भी कोशिश करें कि अपने जो पढ़ाने की मेथडोलॉजी है उसको न्यू पैंस के हिसाब से उसको बदलें। नो डाउट आप बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे एंड लेकिन फिर भी हम बोलते हैं ना, हमेशा से इस बेटरमेंट इंप्रूव करने के लिए स्कोप होता है। तो मेथडोलॉजी पढ़ाने की पार्टिसिपेटिव होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का इन्वॉल्वमेंट करें। आप कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसको एज एन बच्चों को रोट लर्निंग की तरह ना पढ़ाएं, मार्क्स लाने के हिसाब से ना पढ़ाएं, फॉर सेक ऑफ नॉलेज पढ़ाएं, किसी भी चीज की प्रैक्टिकलिटी बताएं। बिकॉज कोई इंसान 6th क्लास में कुछ पढ़ रहा है उसको पता होना चाहिए उसका आगे जाके लाइफ में कैसे यूज होने वाला है। आप फॉर एग्जाम्पल कुछ भी बताएं, सपोज इलेक्ट्रिसिटी बता रहे हैं तो बताएं पूरा इस लाइन में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, एसी करंट डीसी करंट क्या होता है, अगर फैन भी रोटेट कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में क्यों रोटेट कर रहा है, कैसे रोटेट कर रहा है, क्या फिजिक्स है इसमें, कैसे टॉर्क लग रहा है, कैसे रोटेशन हो रही है इसकी, मोटर कैसे काम करती है, ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको रियल लाइफ में वो देखेंगे, उसको समझेंगे तो उनको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और उसका एप्लीकेशन बच्चे में क्यूरियोसिटी आएगी कि ऐसा ही क्यों होता है, वैसा क्यों नहीं होता। तो देन जो एक क्रिएटिव स्किल्स हैं, जो IQ होते हैं, वो थोड़ा सा बढ़ेगा उनका। एंड मैं थोड़ा सा और इसमें ये चीजें बताना चाहूंगा, जैसे सारे अभिभावक यहाँ पे हैं, बच्चे हैं, अपने बच्चों को बड़े सपने दिखाएं। मैं देखता हूं, मैं खुद जब मिडिल क्लास फैमिली में था तो 10th क्लास में मैं एक्चुअली इनिशियली 5th क्लास तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, देन बाहर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक प्राइवेट स्कूल था 6th to 10th, वहां पढ़ा था, देन IIT की तैयारी करी, फिर IIT में चला गया, देन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और देन IAS में आया। तो मुझे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे पास कोई करियर गाइडेंस के लिए कोई था नहीं, तो जो सब लोग फॉलो करते हैं, मैंने भी IIT के लिए चला गया, लकली मेहनत की और लक साथ में था तो सिलेक्शन हो गया। IIT में जाके मैंने मुझे रियल एक्सपोजर मिला मेरे कैरियर का। लेकिन मैं चाहता हूं यहाँ अब जैसे पलवल में मेरी पोस्टिंग है तो मैं DO साहब से कोऑर्डिनेट करके एक कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट करूंगा, जैसे यहाँ पे IAS ऑफिसर्स भी हैं, डिस्ट्रिक्ट में IPS ऑफिसर्स भी हैं एंड हर एक डिपार्टमेंट के HODs हैं और उनके नीचे काम करने वाले स्टाफ हैं, तो हर एक स्टाफ का हम एक कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम करेंगे ताकि स्पेशली 9th to 12th वाले बच्चे, 10th के बाद हम जो सब्जेक्ट चूज करते हैं वो हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से सेलेक्ट करनी चाहिए, ना कि ऐसे कि जो मेरे बड़े भाई ने बहन ने लिया था तो मैं भी ले लेता हूँ और देन बाद में वो ऐसे कोर्सों में एनरोल्ड हो जाते हैं जिनका उनमें इंटरेस्ट भी नहीं होता। तो कैरियर काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, आप सपने बड़े देखें। मैं देखता हूं कि अगर बहुत लोगों से पूछे कि IAS बनना चाहते हो तो वो बोलेंगे कि हमारा तो होगा ही नहीं, हमें पता है, एजुकेशन नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा वैसा। आप अगर कॉन्फिडेंस रखते हैं तो 50% टारगेट आपका उसी टाइम अचीव हो जाता है, उसके बाद तो आपको पेपर का पैटर्न देखना होता है, उस एग्जाम की क्या डिमांड है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लास्ट 5 to 10 ईयर्स के पेपर एनालिसिस करना होता है और एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके प्रैक्टिस करनी होती है ताकि जो आपकी एग्जाम की मिस्टेक्स है वो आपको पहले ही हो जाए, आपको एग्जाम में सिली मिस्टेक्स हो के ना। आप कोई सा भी एग्जाम दें, चाहे IAS का हो या क्लर्क का हो या कोई भी हो, जॉब सब बढ़िया होती है। आप क्लर्क का एग्जाम देते हो तो ये तो नहीं सोचते हो कि मैं छोटी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो मैं बस 2 ही घंटे पढ़ूंगा, आप अपना तो 100% देते हो। जब आपको 100% देना ही है तो फिर सबसे बड़ा ड्रीम करते हैं ना, आपको अगर लाइफ में कुछ भी बनना है, मैं ये नहीं कहता IAS ही बने, आप जो भी आपका इंटरेस्ट है, वेदर इट्स स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स या एक्टिंग एनीथिंग, उसमें आप अपना 100% दें। और ऐसा बोला जाता है कि सपने वो नहीं होते जो हम सो के देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। आप दिन में आंख खोल के जो सपने देखते हो वो सपने होते हैं जिनको अचीव करने के लिए आप अपना डू और डाई करते हो। तो आप जो भी आपका सपना है, चाहे फॉर एग्जांपल IAS बनना है, तो आपको पता होना चाहिए IAS का सिलेबस क्या है, क्या प्री मेंस इंटरव्यू कैसे होते हैं, कितने पेपर होते हैं, उसमें UPSC की डिमांड क्या है, क्वेश्चन किस टाइप से पुटअप किए जाते हैं, और उनकी प्रैक्टिस आप घर पे करो ताकि आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाए, एग्जाम की नर्वसनेस खत्म हो जाए। जब आप एग्जाम देने जाओ तो ऐसा लगे कि मैं एग्जाम लिख ही नहीं रहा, जस्ट टेस्ट सीरीज का एक पार्ट है। तो
अगर आप ये सब फोटो करोगे तो मैं कौन स्टाम्प पेपर पे लिख सकता हूँ, आप कोई भी एग्जाम लिखोगे उसमें सेलेक्ट तो हो ही जाओगे, और अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो टॉपर भी हो। तो दो तीन चीजें हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था कि एक तो कैरियर गाइडेंस बहुत जरूरी है, एंड अपने टीचरों का रेस्पेक्ट करें और टीचर भी अपनी ड्यूटियां निभाएं, एंड मॉरल एजुकेशन है जो हमें परिवार समाज से मिलती है, स्कूल में तो मिलती ही है नो डाउट इन दैट, उस पर ध्यान दें ताकि जब हमारा देश विश्वगुरु माना गया है, और विश्वगुरु इसीलिए माना गया है कि हम ओनली बुकिश लैंग्वेज के साथ साथ जो मॉरल एजुकेशन है, जो पहले से गुरुजी सिस्टम है, वो इसीलिए है कि मॉरल एजुकेशन बहुत इक्वली वेटेज दी गई है यहाँ पे। तो अभी मैं जो टीचर्स के साथ मिसबिहेव के इंसिडेंट्स आते हैं वो एटलीस्ट ना हो, वो अपना सारा अगर कर्तव्य निभा रहे हैं तो एज एन स्टूडेंट भी हमारी ड्यूटी बनती है। तो इन सभी शब्दों के साथ मैं वंस अगेन आपको हैप्पी टीचर्स डे की शुभकामनाएं देता हूँ, एंड मेरी ऑफिस में कभी भी, जैसे मैं खुद, मेरा आईआईटी का बैकग्राउंड है एंड आईएएस का बैकग्राउंड है, तो इस चीज के रिगार्डिंग कभी भी किसी भी पेरेंट्स को, किसी भी बच्चे को मेरे ऑफिस में आके मेरे से चीजें डिस्कस करनी हो, नो डाउट ऑफिशियल कैपेसिटी में ऑफिशियल काम तो है ही, बट अदर देन ऑफिशियल थिंग ऑलवेज ऑल आर मोस्ट वेलकम।